इस वीडियो में मैं आपको 10 किताबें बताऊंगी जो बहुत अच्छी हैं, जो मेरी फेवरेट हैं और जो आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल पहली किताब से शुरू करते हैं। मेरे पास सबकी इंग्लिश कॉपीज होंगी क्योंकि मैं इंग्लिश में ज्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ, पर मैंने इनकी हिंदी वर्जन के लिंक नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जरूर चेक कर लेना। पहली किताब है आई टू हैड अ लव स्टोरी बाय रविंदर सिंह। हिंदी में इसका नाम है एक प्रेम कहानी मेरी भी। ये किताब एक लड़के के बारे में है जो शादी.com एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की से मिलते हैं और उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। ये उनकी लव स्टोरी है, बहुत ही रॉ, स्ट्रेट आउट ऑफ हार्ट, बिल्कुल दिल से निकली हुई बात करने वाली लव स्टोरी है। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैंने रिसेंटली पढ़ी है। इनफैक्ट ये जो सारी किताबें मैं आपको बताऊंगी वो मैंने पढ़ रखी हैं इंग्लिश में और मेरी टॉप फेवरेट्स हैं। तो अगर आप रोमांस पढ़ना चाहते हैं, लव स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप नए हैं किताबें पढ़ने में और आपको अभी दिक्कत होती है बड़ी बड़ी मुश्किल सी किताबें पढ़ने में, ईजी किताबें पढ़नी है, तो इस किताब को जरूर चेक करिए, एक प्रेम कहानी मेरी भी। इससे पहले कि आपको अगली किताब बताऊं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिंदी वीडियोस के लिए। मैं मोस्टली इंग्लिश में बनाती हूँ पर कुछ हिंदी वीडियोस भी डालती हूँ, हिंदी बुक रिकमेंडेशंस भी करती हूँ, तो सब्सक्राइब करना और घंटी भी जरूर बजाना ताकि तुम्हें सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। तो दूसरी किताब एक्चुअल में भी हिंदी में ही लिखी हुई थी, अर्थला बाय विवेक कुमार। मैंने इसका पूरा रिव्यू करा हुआ है, ये एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है, मतलब पुराने जमाने की स्टोरी है, फिक्शन है, पर बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है, मजा आ गया इस किताब को पढ़ने में। और इसका सेकंड पार्ट, अब जब से मैंने इस बुक को रिव्यू करा है और जितने भी लोग मेरे हिंदी रिव्यूज देखते हैं वो लोग तो पागल हो गए हैं इस बुक के बारे में, मतलब उनको बहुत ही अच्छी लगी। तो बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि इसकी सेकंड बुक कब आएगी, तो इसकी दूसरी किताब है मल्हार, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, प्लीज मेरे लिंक जरूर चेक करिए। उन लिंक से अगर आप खरीदेंगे तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इस चैनल को रन करने में, तो उन लिंक से जरूर खरीदिए अगर आप amazon.in से शॉपिंग करते हैं। तीसरी किताब है कीपर्स ऑफ द कालचक्रा बाय अश्विन सांघी। हिंदी में इसका नाम है कालचक्रा के रक्षक। तब ये जो ऑथर है अश्विन सांघी, मैंने इनकी एक ऑथर स्पॉटलाइट वीडियो भी बनाई हुई है, ये ऑथर ना साइंस फिक्शन को मिक्स कर देते हैं, साइंस को मिक्स करके हिस्ट्री को मिक्स कर देते हैं, मैथोलॉजी को मिक्स कर देते हैं और क्राइम मिस्ट्री को भी मिक्स कर देते हैं, तो ये पूरे सब कुछ मिक्स करके बुक बनती है इनकी, भारत सीरीज की बुक। तो ये जो बुक है ये मैंने रिसेंटली पढ़ी और मुझे काफी अच्छी लगी, इसका मैंने इंग्लिश में पूरा रिव्यू करा हुआ है अगर आप चेक करना चाहते हैं तो, पर अच्छी किताब है। इसमें क्या है प्लॉट कि बहुत सारे पावरफुल लोग, बहुत सारे बड़े नेता वगैरह बाहरले देश में भी मरना शुरू हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कैसे मर रहे हैं, तो ये एक थोड़ी सी मिस्ट्री चल रही है और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कुछ और ही करना चाहती हैं, पूरी दुनिया में बिल्कुल बदलाव लाना चाहती हैं, तो बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री और बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। तो अगर आपको ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है तो इसे जरूर चेक करें। चौथी किताब एक चिल्ड्रंस नॉवल है। जब मैं छोटी होती थी तो ये किताब बहुत ज्यादा पढ़ती थी, फेमस 5 सीरीज, बहुत बड़ी बुक सीरीज है, ठीक है। तो इसकी पहली किताब है 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड और हिंदी में ये है फेमस 5 खजाने के टापू पर। अब ये जो किताब है, अब आप कहेंगे अरे ये तो बच्चों के लिए है, मैंने तो पिछले साल पढ़ी, मुझे फिर भी अच्छी लगी, ठीक है। उससे पहले भी मैंने पढ़ी हुई थी पर मैं बहुत सारी किताबों को दोबारा पढ़ रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फेमस 5 मतलब हाँ, अगर आप छोटे बच्चे को देना चाहते हैं तो उसे भी दे सकते हैं, पर अगर आपने पहली बार पढ़ना शुरू करा है तो भी पढ़ सकते हैं। स्टोरी क्या है, ये 4 बच्चे हैं और एक इनका कुत्ता है टिमथी। ये सब लोग कोई ना कोई एडवेंचर पे, मतलब इनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है गर्मियों की छुट्टियों में। तो ये पहली किताब में ये इनको मतलब रहस्यमय टापू पर खजाना मिलता है, तो उसके बारे में है। तो ये बहुत ही प्यारी सी, मतलब मजा आता है इसको पढ़ने में, मतलब अगर आपको मजे के लिए किताब पढ़नी है ना इसको चेक करना। एक और चिल्ड्रंस फिक्शन बताऊंगी आपको, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो। ये चिल्ड्रन फिक्शन है रूम ऑन द रूफ बाय रस्किन बॉन्ड। इंडियन ऑथर है ये, हिंदी में है ये, इन ऑथर की पहली किताब थी, इन्होंने 17 साल की उम्र में ये किताब लिखी थी, ठीक है। और ये किताब है एक लड़के के बारे में जो देहरादून में रहता है और कि घर पे लड़ाई होकर भाग जाता है। वैसे बहुत लोग इसको यंग एडल्ट बोलते हैं पर मेरे को ये थोड़ी सी किडिश लगती है, पर उस जमाने में लिखी हुई किडिश, आजकल के यंग एडल्ट में तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है, आजकल के टीनेजर्स तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। ये उस जमाने की लिखी है, थोड़ी किडिश है, थोड़ी मतलब ऐसा लगता है कि 10, 11, 12 उम्र के लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, पर अदरवाइज ऑल्सो मैंने फिर से ये बहुत बड़ी उम्र में पढ़ी है, मुझे फिर भी अच्छी लगी। मतलब रस्किन बॉन्ड बहुत ही अच्छे लेखक हैं, तो उनकी किताबें पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो उनकी पहली किताब से शुरू करेंगे तो मजा ही कुछ और होगा, नहीं? अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि अरे यार फिक्शन नहीं पढ़ना, मुझे नॉन फिक्शन पढ़ना है जिससे मुझे कोई फायदा होए। वैसे ये तो पूरी डिबेट कर सकते हैं हम कि फिक्शन से क्या क्या फायदे होते हैं, पर अगर आपको नॉन फिक्शन चाहिए तो एक बुक है टाइम मैनेजमेंट पर, वो है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी।
हिंदी में इसको बोलते हैं सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, और ये बहुत ही बेस्ट सेलर बुक है। अगर आप देखें तो छोटी सी बुक है, अभी मैंने आपको कवर दिखाया, पर इस बुक में इतनी एक्शनेबल एडवाइस है कि मतलब आपको बताते हैं कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने टाइम पर काबू कर सकते हो, आपका टाइम आपको नहीं चलाए आप टाइम को चलाओ ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे सारी की सारी चीजें जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये इस बुक में बताते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, मुझे तो लगता है कि इसको हर साल पढ़ना चाहिए, हर 2-3 महीने के बाद पढ़ना चाहिए, फायदा बहुत होता है इससे। अब एक जॉनर होता है इरोटिका, ठीक है, थोड़ा एडल्ट होता है तो टीनेजर्स वगैरह को नहीं बोलूंगी पढ़ने के लिए, पर अगर आपको इरोटिका जॉनर अच्छा लगता है और आप एक बेस्ट सेलर पढ़ना चाहते हैं तो ये ट्रिलॉजी है 50 Shades of Grey, 3 किताबें हैं, तीनों की तीनों हिंदी में भी उपलब्ध है। पर मेरे को जो है 50 Shades of Grey की पहली किताब बहुत अच्छी लगी, ठीक है, मेरे को पहली किताब बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अब कुछ लोगों को ये जॉनर ही अच्छा नहीं लगता तो वो बोलेंगे अरे अरे कैसी किताब पढ़ा दी, पर जिन लोगों को ये जॉनर कंफर्टेबल लगता हो, ठीक है, पढ़ना, वो लोग इसको पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी स्टोरी है उस हिसाब से, पर सेकंड थर्ड बुक ने थोड़ा मेरे को डिसअपॉइंट करा, पर फिर भी अगर आपको ये जॉनरा पढ़ना है और कोई बुक नहीं मिल रही अच्छी सी तो ये बहुत ही अच्छी है ट्राई करने के लिए, बिकॉज ये बेस्ट सेलर है तो लोग बहुत लोग इसको हाइप के कारण भी पढ़ते हैं, मुझे अच्छी लगी तो इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनको CID देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्राइम मिस्ट्रीज बड़ी अच्छी लगती है, तो क्राइम मिस्ट्री की क्वीन मानी जाती है ये ऑथर अगाथा क्रिस्टी, इनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है 80 से ज्यादा किताबें लिखी हैं इन्होंने। तो ये है एंड देन देयर वर नन बाय अगाथा क्रिस्टी। तो स्टोरी क्या है, बहुत ही पोएटिक तरीके से एक पोएम के हिसाब से लोग मरना शुरू हो जाते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है कि बाद में कोई नहीं बचता, ठीक है, नाम में सारा उन्होंने बताया हुआ है, पर कैसे कैसे ये लोग मरते हैं वो हमारी स्टोरी है। पर्सनली मुझे अगाथा क्रिस्टी की और बुक्स मैंने पढ़ी है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ये थोड़ी मतलब मेरे को ऐसी सी लगी, ठीक है, पर बहुत लोगों को ये किताब बहुत अच्छी लगती है। अब हर एक का टेस्ट होता है, हो सकता है कि आपको ये बेस्ट लगे, क्योंकि मेरी सारी जो ऑडियंस है इस बात में कंफ्लिक्टेड है, कईयों को बहुत अच्छी लगी कईयों को नहीं अच्छी लगी, तो आप इसको जरूर ट्राई करिए। और मैं सोचती हूँ कि अगाथा क्रिस्टी की कोई बुक ऐसी नहीं है जो आप पढ़ के सोचोगे है ये टाइम वेस्ट हो गया, ऐसी नहीं है, अगाथा क्रिस्टी की किताब पढ़ के मजा ही आने वाला है आपको, ज्यादा आएगा कम आएगा वो डिफरेंट बात है, ठीक है, तो वो आपको ट्राई करना है आपके टेस्ट के हिसाब से, उन्होंने बड़ी सारी क्राइम मिस्ट्रीज लिखी है तो इसको जरूर चेक करें, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगे। अब अगली वाली जो किताब मैं सजेस्ट कर रही हूँ, पहली बात तो ये नहीं बोलना मूवी देखी हुई है, क्योंकि ये ना बिल्कुल स्टूपिड लगता है कि मूवी देखी हुई है, मैंने बहुत सारे मेरे मूवी बफ फ्रेंड्स को ये किताब पढ़ाई है, ठीक है, ऑडिबल पे दे दी उनको कि चलो सुन लो, अब उन लोगों को लगता है कि अच्छा मूवी में तो कुछ दिखाया ही नहीं उन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी 7 किताबें हैं हैरी पॉटर सीरीज की, तो मूवी में वो कितना कहीं आपको बता देंगे, तो आपको बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी अगर आपको हैरी पॉटर की अमेजमेंट चाहिए इस वर्ल्ड की, मतलब ये किताबें बहुत ही अच्छी हैं, 7 किताबें हैं, पहली किताब और सारी की सारी किताब हिंदी में है, पहली किताब है हैरी पॉटर और पारस पत्थर, ठीक है, इसको पढ़ना शुरू करना और आपको मजा आ जाएगा, ऐसे नहीं है चिल्ड्रंस नॉवल है बहुत लोग अरे बच्चों की किताब है, नहीं ऐसे नहीं है, हैरी पॉटर आप किसी भी एज में पढ़ सकते हैं, कितनी मर्जी बार पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। एक फन फैक्ट बताती हूँ, इस साल मैंने 16 किताबें पढ़ ली हैं, पिछले साल 63 किताब पढ़ी थी, 63, पंजाबी में 63 बोलते हैं उसको, ठीक है, 63 सही है कि नहीं देख लेना, ठीक है, 63 किताबें पढ़ी थी, ठीक है, उनमें से मेरे को 9 किताबें ऐसी मिली जो कि मेरे को अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कि मैं आपको रिकमेंड करूँ, और जो कि हिंदी में भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा हाथ टाइट हो जाता है जब हिंदी रिकमेंडेशन देनी पड़ती है, पर अब मैं पहुंच गई हूँ 2019 की किताबों में से उठा के आपको रेकमेंड कर दी, 18 में से कर दी, अब 17 में से एक किताब रेकमेंड करूंगी क्योंकि हमारी लिस्ट 10 की पूरी हो जाएगी, बाकी की फिर मैं अगली बार रेकमेंड करूंगी, इसलिए मेरे को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, तभी मैंने पूरी 10 बनाई है, अगली बार सब्सक्राइब करोगे फिर देखना बाकी की रिकमेंडेशन, पर घंटे भी बजा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए, और कम्युनिटी पोस्ट जो एक यूट्यूब का ना फीचर है कम्युनिटी पोस्ट, वहां पे मेरी पोस्ट चेक करते रहना क्योंकि अगली हिंदी वीडियो के बारे में वहां पे अनाउंस करूंगी, ठीक है। तो आखिरी किताब है ये पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय चित्रा बैनर्जी दिवाकर्मी, इसको हिंदी में द्रौपदी की महाभारत बोलते हैं, अब हिंदी के नाम से तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि ये क्या है, द्रौपदी की महाभारत, महाभारत को द्रौपदी ने अपने पर्सपेक्टिव से बताया है कि महाभारत कैसे हुई थी, और बहुत ही अलग सा मतलब फीलिंग आती है इसको पढ़ के, बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है, बहुत ही अलग नजरिया है जिससे आप द्रौपदी की स्टोरी जान सकते हैं और महाभारत पढ़ सकते हैं, तो अगर आपको माइथोलॉजिकल फिक्शंस पढ़ना पसंद है तो ये किताब तो आपको पढ़नी ही है। फालतू में वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ये हैं 10 किताबें जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहती थी, फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूँ क्योंकि जब भी मैं किताबों की कुछ भी वीडियो बनाती हूँ पता नहीं लोगों का दिमाग कहाँ होता है जब वीडियो देख रहे होते हैं, तो कल परसों एक वीडियो पे कमेंट आया किताबें तो ये पढ़ी नहीं है तुमने और रिकमेंड कर रही हो, और वीडियो कौन सी थी, ऑथर स्पॉटलाइट,
तो अब मैं ऑथर स्पॉटलाइट कर रही हूँ, मैं ऑथर के किताबों के बारे में आपको बता रही हूँ, कुछ पढ़ी हुई है कुछ नहीं पढ़ी हुई है, तो मैं रिव्यू कहाँ कर रही हूँ, दिमाग चलाओ थोड़ा सा। अब ये जो रिकमेंडेशन होती है इसमें मेरा रिव्यू होता है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसी किताबें रिकमेंड नहीं करती जो मैंने ना पढ़ी हूँ, और अगर करूँ भी तो मैं पहले बता देती हूँ मैंने पढ़ी नहीं है और इस वजह से रिकमेंड कर रही हूँ। पता नहीं लोगों का दिमाग कहाँ होता है, पर थोड़ा सा रेंट तो मुझे करना था तो कर दिया। पर हाँ, ये है वो 10 किताबें जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती थी, ठीक है। मेरे पास सारी हिंदी में है अर्थला को छोड़ के, मेरे पास सारी इंग्लिश में है अर्थला को छोड़ के जो कि हिंदी में है, पर आप सारी की सारी अमेजोन से हिंदी में खरीद सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको बड़ी अच्छी लगेंगी और आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे और हिंदी बुक रिकमेंडेशंस के लिए तो, और बुक डिस्कशंस के लिए भी। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक बात पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कॉमेंट कर देना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और बस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, दिस इज मनवी साइनिंग ऑफ, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून।